हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज तारीख है 22 जनवरी 2018, दिन है सोमवार। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों आज दोस्तों मैसूर में 450 बसों में फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। दोस्तों दोस्तों ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों मैसूर में, ये कर्नाटक का एक सिटी है दोस्तों, इसमें फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। दोस्तों अभी तक आप लोग देखते थे कि हमारे, मतलब देखा होगा कि हमारे रेलवे स्टेशनों पर, कुछ कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई मिल रहा है दोस्तों। तो इसी प्रकार से मेट्रो स्टेशनों, ये मैसूर में, कर्नाटक में जो बसें हैं उनमें फ्री वाईफाई मिलेगा। और दोस्तों अगला न्यूज है दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों में लगेगी लिथियम बैटरी। दोस्तों हमारे जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने घोषणा की है कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है उनमें लिथियम बैटरी लगेगी। दोस्तों अगली न्यूज है दोस्तों, अगला करंट अफेयर है दोस्तों, IIT स्टूडेंट ने बनाई ऐसी मशीन जो जो मच्छर पकड़ती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो मलेरिया है, जो मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है, एनाफिलीज जो मादा मच्छर रहता है उसके द्वारा, तो दोस्तों हमारे IITs के स्टूडेंट ने ऐसी मशीन बनाई है दोस्तों जो मच्छरों को पकड़ती है। दोस्तों ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। दोस्तों प्रेसिडेंट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को की सदस्यता रद्द कर दी है। दोस्तों ये सदस्यता इसीलिए रद्द की गई है दोस्तों क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो लाभ के पद का उपयोग कर रहे थे। दोस्तों यदि कोई भी विधायक या सांसद लाभ के पद पर पाया जाता है तो दोस्तों उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो दोस्तों अभी फिलहाल उन्होंने, मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट में वो लोग याचिका डालेंगे, आम आदमी पार्टी के मतलब कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी वगैरह। दोस्तों अगला करंट अफेयर है दोस्तों, ओंकारेश्वर में बनेगी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा 108 फीट ऊंची। दोस्तों आदि शंकराचार्य के बारे में आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। एक क्वेश्चन ये, मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों MP स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों मध्य प्रदेश में ये चल रही है दोस्तों एकात्म यात्रा। ये दोस्तों आदि शंकराचार्य जी के ऊपर ही है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म दोस्तों केरल में हुआ था दोस्तों, जिन्होंने बोला कहा था कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। दोस्तों ये उन्होंने एक वाक्य बोला था। दोस्तों अगला करंट अफेयर है दोस्तों, इराक के शहर मोसुल में अब खुशी लौट रही है। दोस्तों आपको मालूम है कि जो ISIS का फुल फॉर्म ही है दोस्तों, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो दोस्तों ये एक आतंकवादी संगठन है जो इराक और सीरिया में काफ़ी जगह पर कब्जा किया था दोस्तों। ये तो मोसुल जो इराक का शहर है दोस्तों, तो वहाँ पर अब काफ़ी, मतलब उससे आज़ाद हो गया है, तो वहाँ पर खुशियाँ लौट रही हैं दोस्तों। अगला करंट अफेयर दोस्तों, आनंदीबेन पटेल बनेगी MP की राज्यपाल। दोस्तों आपने देखा था कि पहले ये मोदी जी के बाद गुजरात की चीफ मिनिस्टर रही थी, फिर दोस्तों उसके बाद और पटेल, किसी दूसरे पटेल को मुख्यमंत्री बनाया था। दोस्तों अभी हमारी केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि मतलब जो आनंदीबेन पटेल हैं वो अपने मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। प्लीज़ दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना, ये भी MP स्टेट के जो भी MPPCS या PAPM के जो भी एग्ज़ाम रहते हैं उनके लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है। और दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको वीडियो चाहिए जिसके बारे में दोस्तों। धन्यवाद।